सो ही व्हाट्सअप गाइज, मोनिस्टर वाइटी हियर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर रहा हूँ। आगे मैं ग्रैंड मास्टर पर था, अभी मैं ग्रैंड मास्टर पे नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। और आज का जो गेम प्ले है ना, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला, ग्रैंड मास्टर पुशिंग वाला। तो वीडियो को पूरा देख लेना और स्टार्ट करते हैं गेम प्ले गाइज, ठीक है। तो ये था गाइज मेरा पहला गेम प्ले। इस मैच में मैंने 2 किल निकाल दिया था और 10 बंदे वाला थे। तो देख सकते हो सामने एक बंदा जा रहा है और मेरे पास था AWM, इसको मैंने 90 का शॉट दे दिया। दूसरा शॉट मिस हो गया और बंदे मेरे पास था साइलेंसर, बंदे को पता नहीं था मैं किधर से मार रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रश करना चालू कर दिया। और मेरे पास था हुकंग, मैंने यूज़ किया और बंदा को यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। बंदा को पता भी नहीं चला गाइज, साइलेंसर का यही फ़ायदा होता है गाइज। मैंने स्नैपर पर साइलेंसर लगाया और बंदे को पता भी नहीं चला। और इसके पास काफ़ी सारे ग्लूवाल था गाइज, तो मैंने सोचा गाइज ग्लूवाल थोड़ा बहुत वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनिमी को तो नहीं देना पड़ेगा ग्लूवाल, ठीक है। मैंने सब कुछ ग्लूवाल वेस्ट कर दिया, 4-5 ग्लूवाल। उसके बाद मैंने फिर से ग्लूवाल लेना चालू कर दिया। इसी बात पर लाइक तो बनता है गाइज, ठीक है। तो बंदे बचे थे 8 बंदे, यहाँ पे लूट वूट किया। और जैसे मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पे आराम से मैं जोन में जाने का तैयारी में होता हूँ, पर एक बंदा निकलता है घर के अंदर से और इसे मैं AWM का शॉट मारने का ट्राई करता हूँ, नॉन स्कोप वाला, पर नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन पे आता हूँ और बंदा को देखता हूँ बंदा आता है कि नहीं बोल के। और बंदा यहाँ पे हुकंग बन के आ रहा था, मैंने 150 का शॉट दे दिया और बंदा इतनी दूर से मेरे को मार रहा था गाइस शॉट गन, ठीक है, क्या ही बोलूँ। और ये निकला बंदा और दे दिया इसको भी हेड शॉट गाइस। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे गाइज मैंने इस बंदे को भी काफ़ी आसानी से फिनिश कर दिया। पता नहीं ये बंदा इतनी दूर से शॉट गन क्यों चला रहा था गाइज, आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। पता नहीं बंदा क्या सोच रहा था, उतनी दूर से शॉट गन से हेडशॉट मार दूंगा सोच रहा था लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मैं आराम से लूट कर रहा हूँ और एक और बंदा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है बंदा। और बंदा यहाँ पे रश नहीं करता है क्योंकि उसको भी पता है जोन भी आने वाला है, तो इसलिए बंदा रश नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आराम से तब तक हीलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक ग्लूवाल लगा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा निकल के मारने का ट्राई करता हूँ क्योंकि जोन भी आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे बंदा निकल गया और इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट मार दिया और इसी के साथ बंदे का काम तमाम। तो गाइस बंदे बचे 4 बंदे और मैं यहाँ पे जोन पे जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि गाइस कोई बंदा होता है तो मैं मारने का ट्राई करने वाला हूँ। तो सामने भी ड्रॉप है, ड्रॉप में क्या मिलता है देखता हूँ। वैसे तो मेरे पास लूट सब कुछ है क्योंकि मेरे पास 4 का बेस्ट है और 3 का हेलमेट है। और ग्लूवाल यहाँ पे फिर से मिल चुका है, मेरे पास हो चुका है 19 ग्लूवाल और बंदे सिर्फ बचे 4 बंदे। अब तो इस मैच को काफ़ी आसानी से मैं जीतने वाला हूँ। तो और टावर के ऊपर एक और बंदा है, बंदा सामने मार रहा है, मैं इसे हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ पर नहीं लगा यार, क्योंकि मेरे गाइस स्नैपिंग में ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इस सीज़न पर, ठीक है, स्नैपर में यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे इसे हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, सबसे पहले हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, लगता है कि नहीं, बंदा दिख ही नहीं रहा अभी। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ राइट लेफ्ट, कोई बंदा होगा तो गाइस मेरे को मार देगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। मैं काफ़ी बार मर चुका हूँ गाइस ऐसे ही कंडीशन में। दूसरे बंदे को मैं स्कोपिंग करके बैठता हूँ और दूसरा बंदा मार देता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे गाइस गाड़ी फोड़ दिया, ठीक है, गाड़ी फोड़ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करना चालू कर दिया, मेरे पास था साइलेंसर और सामने मेरे को मिला गाइस एमओ, ठीक है, एमओ मिल चुका है मेरे को AWM का एमओ। उसके बाद मैंने चेक करना चालू कर दिया राइट लेफ्ट पे बंदा है कि नहीं बोल के, और इधर तो कोई भी बंदा नहीं था, एक बंदा टावर पे था और 2 बंदे कहाँ पे था लोकेशन मेरे को पता नहीं था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना ट्राई किया और यहाँ पे जोन भी आने वाला था और एक बंदा ने यहाँ पे मोस्टर ट्रक को भी फुटा दिया गाइस, ठीक है, फोड़ दिया मोस्टर ट्रक को। और फिर से मैं स्कोपिंग करना चालू कर दिया, अब यहाँ पे जोन आने वाला था तो मैंने यहाँ पे हुकंग यूज़ किया और आराम से कवर में जाने का ट्राई किया, ठीक है, कवर में मैं आ चुका हूँ और इधर तो जोन नहीं है, मैं सामने वाला पेड़ के पीछे बैठने का ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सामने वाला पेड़ के पीछे, तो देखता हूँ बंदा कहाँ पर है, एक बंदा तो उसके ऊपर है और दूसरा बंदा कहाँ पे वो मेरे को पता नहीं है लोकेशन। तो मैं आराम से बैठता हूँ, कहाँ से, अरे पड़ी मेरे को पड़ी, वो बंदा मार रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया बंदा ने। तो यहाँ पे हीलिंग कर लेता हूँ सबसे पहले आराम से, वो बंदा, अरे दूसरा बंदा भी मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, चलो ग्लूवाल लगा लेता हूँ। बंदे के पास M2 भी है गाइज, M2 भी ग्लूवाल के आर पार मार दिया बंदा ने। तो यहाँ पे सबसे पहले हीलिंग कर लेता हूँ, अरे बंदा फोड़ रहा है मेरा ग्लूवाल, चलो ग्लूवाल लगा लेता हूँ। और सिर्फ 35 सेकेंड बचा है, अब जोन भी आने वाला है, बंदा ने ये ग्लूवाल भी फोड़ दिया। अरे मैंने बंदे का लोकेशन पता कर लिया, सामने पत्थर के पीछे से मार रहा है, छुप छुप के मार रहा है और इसे मैं स्कोपिंग करके मारने का ट्राई करता हूँ, चलो हेडशॉट लगता है कि नहीं, अगर हेडशॉट लगेगा तो एक ही गोली में ख़त्म होने वाला है वो बंदा। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ कैसे मारूँ बोल के, तो चलो स्कोपिंग करता हूँ, ये रहा बंदा, अरे हेडशॉट ही नहीं लगा गाइस, बॉडी शॉट लगा, चलो कोई बात नहीं, बंदा थोड़ा सा डर गया होगा, 150 का शॉट दे दिया, बंदा को हील यहाँ पे करना ही पड़ेगा।
इस पत्थर के पीछे भी एक बंदा है मेरे को लग रहा है, उधर से ही मारा था शायद। वो बंदा अभी आगे जा चुका है जोन पर, तो मेरे को भी अब जोन पे जाना होगा। अरे बंदा ने यहाँ पे गुलवा लगा लिया, और यहाँ पे मैंने वन शॉट दे दिया है, और यहाँ पे मैं गुलवा लगा लेता हूँ, जोन भी आने वाला है। और ऊपर टावर वाला बंदा भी मेरे को मारने के लिए देख रहा है गाइस। चलो इस बंदे को मैं मारने का कुछ मौका ही नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे गुलवाल है, सब गुलवाल यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे जोन आ रहा है, चलो गुलवा लगा लिया। काफ़ी ज़्यादा छोटा सर्कल हो चुका है गाइस, लास्ट सर्कल होने वाला है। चलो यहाँ पर भी गुलवा लगा लेता। और एक बंदा ने एसपीडी से मार दिया एक बंदे को, किस बंदे ने मारा, ओके इस बंदे को मार दिया। और यहाँ पे टावर वाला बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा है, पता नहीं इतनी दूर फेंक रहा है बंदा। चलो मैं गुलवा लगा लेता हूँ सामने, पीछे से ना मारते। चलो इसे मैं मारने का ट्राई करता हूँ ड्रैग। चलो इस बंदे को मैं फिर से मारने की ट्राई करता, लगता ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने गुलवा लगा लिया, मेरे पास भी था ग्रेनेड, और मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कुक करता हूँ, क्या पता वो बंदा मर जाए। और जैसे मैंने कुक किया, यहाँ पे बंदा मर गया गाइस, 1v1 सिचुएशन, लास्ट बंदा है। चलो उगंग यूज करता हूँ, काफी ज्यादा हेडशॉट लग चुका है। यहाँ पे मैं रश करने वाला हूँ, पर जोन आने वाला है तो इसलिए मैं रश नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा होल्ड करता, बंदा आ जाएगा। बंदी है शायद, बंदा तो नहीं है। चलो गाइस इसी के साथ हेडशॉट गाइस, इसी बात के लाइक एंड सब्सक्राइब तो बन रहा है बॉस। तो इस मैच को मैंने काफी आसानी से क्लियर कर दिया, और यहाँ पे मेरा प्लस हुआ गाइस, ये पहला मैच था। और डेली स्कोर भी प्लस 20 बैटल स्कोर +6 हो चुका है, और उसके बाद 46 प्लस हुआ टोटल। इस मैच को मैंने काफ़ी आसानी से क्लियर कर दिया, और दूसरा मैच यहाँ पे खेल रहा था इधर गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला, पूरा वीडियो देख लेना गाइस। देखो यहाँ पे एक बंदा था, ठीक है, और ये बंदा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चालू बंदा था, ठीक है। मेरे पास अब गुलवाल भी नहीं था, ठीक है, लास्ट मेडिकेट था मेरे पास, और उसके बाद सामने में ये बंदा था, चुप चुप के मार रहा था, और मेरा गुलवाल फोड़ रहा था, वो बंदा कवर पे था पूरा। और उसके बाद मैंने इसे मारा, और मैंने हुकंग यूज़ किया, मेरे पीछे भी गुलवाल लगाया था एक गुलवाल, उसके बाद यहाँ पे हिल किया गाइस, लास्ट मेडिकेट था शायद से। चलो इसके बाद फिर से एक और लास्ट मेडिकेट है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखो वो बंदा ऊपर था, और उस बंदे को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था गाइस, ठीक है। और वो बंदा को पता नहीं है गाइस मैं इधर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं हुकंग यूज़ किया था। बंदा गाइस गुलवाल को मार रहा है अभी तक भी, और इस बंदे को मारने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा छुप छुप के मार रहा है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गया, और लास्ट मेडिकेट बचा था गाइस, इस मेडिकेट भी मैंने ले लिया, और मैंने बेस्ट अपग्रेड भी कर लिया। और बंदा था पेड़ के पीछे, ये बंदा बहुत ही खतरनाक बंदा था गाइस, इधर उधर नहीं जा रहा था, बहुत ही कवर टू कवर फायर कर रहा था मेरे को, इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था इसे मारने में। तो यहाँ पे जैसे वो बंदा बाहर निकला, और यहाँ पे लग गया गाइस, बॉडी शॉट पे मर गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था गाइस इस बंदे को, गाइस इतना ज़्यादा फाइट हुआ ना, दो तीन मिनट तक इस बंदे के साथ फाइट हुआ। उसके बाद मैंने उसे लूट किया, और यहाँ पे जोन आने वाला था, ठीक है, जोन आने वाला था, मेरे को लगा कि इधर से कोई ना कोई बंदा तो आएगा, जैसे कि मेरा शक सही निकला, एक बंदा आया, और मैंने इसे कथे ओपी वाला हेडशॉट दे दिया। उसके बाद इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत लूट किया, और उसके बाद मैं आगे जाना चालू कर दिया, और बंदा ने मेरे को लाइक दिया। और यहाँ पे देख सकते सामने बंदा है, इस बंदे को भी मैंने काफ़ी आसानी से मार दिया, और मैंने यहाँ पे गुलवाल वेस्ट नहीं किया, गुलवाल नहीं लगाया। उसके बाद मैंने लूट किया, उसके बाद सामने जाना मैंने स्टार्ट कर दिया, और एक और बंदा मेरे को दिखा गाइस, वो पेड़ के पीछे था, और मेरे पास था साइलेंसर, और बंदा का यहाँ पे एचपी लो था, इसका मतलब इधर कोई ना कोई और बंदा तो होगा ही होगा। तो यही मैं सोच रहा था, और जैसे मैं ये सोच रहा था कि एक बंदा मेरे को ऊपर से मार रहा था, तो मेरे को यहाँ पे 100% फिक्स हो चुका था कि ऊपर बंदा है, और बंदे के पास कोरोना कैरेक्टर भी था। और उसके बाद मैंने इसे फाइट लेना सही नहीं समझा, ठीक है, उसके बाद मैंने इग्नोर किया उस बंदे को। जैसे मैं आ गया यहाँ पे, एक और फाइट चल रहा था गाइस दो बंदे का, और मैंने एक बंदे को यहाँ पे पीछे से ले लिया, मेरे पास साइलेंसर था गाइस, ठीक है, साइलेंसर का फायदा तो उठाना पड़ेगा ना गाइस सोलो में। और एक और बंदा मेरे को पीछे से मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, ओके गाइस इसके इधर है, रेड डॉट लगा, और इसे लग गया ओपी वाला हेडशॉट, इसी बात पे लाइक तो बनता है गाइस। और यहाँ पे मैंने 8 किल कर लिया था, और 7 बंदे अलाइव थे अभी भी। इस मैच को मेरे को किसी भी हाल में भूया चाहिए था, पर गई एक और बंदा मेरे को दिखता है, और मैंने इसे हेडशॉट दिया, चलो बॉडी शॉट पे ख़त्म हो गया बाद में। और यहाँ पे मैंने सब कुछ किल कर लिया था, मेरे पास गुलवाल नहीं था, सिर्फ 1 गुलवाल था, और मैंने सामने यहाँ पे लूट क्रेट था, ठीक है, मैंने अभी अभी मारा था इस बंदे को। तो यहाँ पे मैंने गाइस बंदे के पास क्या ही बोलूँ गाइस, इतने सारे गुलवाल थे ना, देखो सब गुलवाल लेने वाला हूँ यहाँ पे मैं। और यही चक्कर में मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, इसके बाद दो नली भी होता है, मैं चेंज करना ट्राई करता दो नली, तभी एक बंदा मेरे को मार देता है गाइस, देखो क्या बोलूँ।
Drop down list, bitch, drop down list.